मायसेल्फ गुजरात अग्रवाल। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो में मैं आपके सामने नया बिंदु लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आशा है आप सभी मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें, लाइक करें। देखिए, आज का बिंदु लिखा हुआ बोर्ड पर, आर्टिकल्स। आर्टिकल्स कक्षा 6, 7 और 8, इन तीनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आर्टिकल्स के बारे में नॉलेज होना हम सभी को आवश्यक है। कंपटीशन क्लासों में भी ये चलता है, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब क्या हम जब नॉलेज नहीं होता है तो हम निरुत्तर होते हैं, इसलिए सभी को इसके बारे में ध्यान रखना है कि आर्टिकल्स क्या होते हैं, किस प्रकार से इनका यूज किया जाता है। तो देखेंगे आर्टिकल्स, ए एन वेदा को हम आर्टिकल्स कहते हैं, ए एन और दा को हम आर्टिकल्स कहते हैं। सबसे पहले हमें दिमाग में ये रखना है कि आर्टिकल्स हम कहते किसे, क्या होता है। तो ए एन और दा, ये हमारे क्या कहलाते हैं, आर्टिकल्स। अब इनका यूज कहां पर होता है देखेंगे। इनका यूज नाउन से पूर्व किया जाता है। आर्टिकल्स का यूज नाउन से पूर्व किया जाता है। इसका मतलब आर्टिकल्स को समझने के लिए हमें नाउन के बारे में भी जानकारी लेना आवश्यक है कि नाउन क्या होता है, तभी तो हम उससे पहले आर्टिकल का यूज करेंगे। तो नाउन के बारे में आपको मैं पहले के वीडियो में बता चुका हूं, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं कि नाउन क्या होता है। ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स और एनिमल, यानी व्यक्ति, वस्तु, स्थान व जानवर के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा शब्दों से पूर्व हम आर्टिकल्स का यूज करते हैं, क्यों? यदि हम आर्टिकल्स का यूज नहीं करेंगे तो वाक्य अच्छा नहीं लगेगा। जिस प्रकार से एक महिला गहनों के बिना अधूरी सी लगती है, उसी प्रकार से आर्टिकल्स के बिना सेंटेंस भी हमारा अधूरा अधूरा लगता है, वो अपना पूर्ण अर्थ नहीं दे पाता है। इसलिए आर्टिकल्स के महत्व को समझना जरूरी। देखेंगे आर्टिकल्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। आर्टिकल्स को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, दो भागों में डिवाइड करते हैं। आर्टिकल्स को दो भागों में डिवाइड करते हैं, ए इंडेफिनिट आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल क्या होते हैं, एनी शब्द जिसमें किसी का भी यूज हो सकता है, और इंडेफिनिट आर्टिकल में हम ए और एन को इंक्लूड करते हैं। ए और एन का प्रयोग है वो इंडेफिनिट होता है, एन इससे होता है, इसके स्थान पर किसी दूसरे आर्टिकल्स दा का भी यूज हम कर सकते हैं, लेकिन दा जहां पर आता है वहां पर ए और एन का यूज नहीं हो सकता। तो पहला हमारा इंडेफिनिट आर्टिकल हो गया, इसमें आता है ए और एन, बी इसमें लेकिन डेफिनिट, डेफिनिट आर्टिकल।
इसमें केवल एक ही आर्टिकल को इंक्लूड किया है और वह द। तो इस प्रकार से हमारे ए एन और द इनको डिवाइडेशन किया है, पहला इंडेफिनिट आर्टिकल जिसमें ए और एन आता है और डेफिनिट आर्टिकल में क्या आता है द। तो आर्टिकल्स के बारे में आपको एक समझ में आया होगा। अब आर्टिकल्स के यूज को समझने के लिए पहले हमें अल्फाबेट के बारे में हमें समझना होगा कि उसी के आधार पर हम आर्टिकल्स का यूज करते हैं। देखिए ये आपने लिख लिया होगा, लिख लिया इस चीज को। अब हम आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में कुल 26 अक्षर होते हैं। देखिए कितने अक्षर होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में, टोटल 26। इसमें से 21 तो होते हमारे कॉन्सोनेंट और 5 जो लेटर्स हैं वो होते हमारे वोवल। तो कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन और वोवल में होता स्वर। अब हम चूंकि देखेंगे कि 21 कॉन्सोनेंट और 5 वोवल्स हैं तो हम वोवल्स में कौन कौन से हैं उनके अलावा शेष हमारे जितने भी वो किस में आते हैं कॉन्सोनेंट। तो देखिए ए ई आई ओ और यू ये हमारे क्या कहलाते हैं वोवल्स, क्या पढ़ा जाते हैं वोवल। और इन 5 लेटर्स के अलावा जितने भी है 21 वो हमारे क्या होते हैं कॉन्सोनेंट जो व्यंजन की ध्वनि देते हैं। तो उनके आधार पर हम आर्टिकल्स का यूज करते हैं। तो समझ में आएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बता देते हैं ए एन और द इनमें डिफरेंस क्या है, मुख्य अंतर क्या है। देखिए ए व एन का यूज केवल सिंगुलर नाउन से पूर्व करते हैं। ए और एन का यूज केवल सिंगुलर नाउन से पूर्व करते हैं जबकि द का यूज सिंगुलर व प्लूरल सभी नाउन से पूर्व करते हैं। सिंगुलर और प्लूरल सभी नाउन से पूर्व करते हैं। ये सबसे बड़ा अंतर है कि ए और एन केवल सिंगुलर नाउन के साथ और ये हमेशा किसके साथ है प्लूरल नाउन के साथ है। सिंगुलर में आते हैं और साथ है प्लूरल में उनका यूज का। लेकिन हमें ये जरूर ध्यान रखना है द का जो प्रयोग होता है एक निश्चित नियमों के आधार पर किया जाता है। वहां पर किसी दूसरे आर्टिकल को हम काम में नहीं ले सकते, वहां पर केवल द का यूज ही होता है। सबसे पहले आपको मैं ए का यूज बताऊंगा कब करते हैं, बहुत सिंपल है। देखिए पहला हेडिंग डाल रहा हूं यूज ऑफ ए। वैसे ए का मतलब एक और एन का मतलब भी होता है एक, इसलिए ए और एन का यूज सिंगुलर नाउन के साथ करते हैं। तब ऐसे सिंगुलर नाउन कौन से सिंगुलर नाउन है जिनके साथ ए का यूज करेंगे और ऐसे नाउन सिंगुलर कौन से जिनके साथ एन का यूज करेंगे वो डिपेंड करता है साउंड पर जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। यूज ऑफ ए
इसका यूज केवल सिंगुलर नाउन से पूर्व किया जाता है, सिंगुलर नाउन से पूर्व निम्न प्रकार करते करते ये सिंगुलर तो है लेकिन सिंगुलर साथ एन भी आता है, तो एकेली क्या विशेष देखना है वो ध्यान रखना। सबसे पहला फर्स्ट में है वे सिंगुलर नाउन, वे सिंगुलर नाउन जो कॉन्सोनेंट से प्रारंभ होकर, कॉन्सोनेंट से प्रारंभ होकर कॉन्सोनेंट की ध्वनि देते हैं, कॉन्सोनेंट की ध्वनि देते हैं। पहला यूजेस है, यानी कि शुरुआत भी कॉन्सोनेंट से है और साउंड भी इसका क्या है कॉन्सोनेंट का ही है। जैसे ए बुक, ए पेन, ए चेयर, ए बॉय। हम देखेंगे बुक में बी पी सी और डी कॉन्सोनेंट है और ध्वनि भी इनकी प्रोनंसिएशन भी किससे निकल रहा है कॉन्सोनेंट। तो ऐसे शब्द जो कॉन्सोनेंट से प्रारंभ होकर कॉन्सोनेंट की ध्वनि देते। दूसरा यूज क्या है, कभी कभी क्या होता है इसे प्रारंभ होने का भी महत्व नहीं, सबसे ज्यादा महत्व होता है इंपॉर्टेंस है इसमें प्रोनंसिएशन का, उसका उच्चारण किससे हो रहा है उसका विशेष ध्यान रखना है। चाहे वह वोवल से प्रारंभ हो रहा है लेकिन प्रोनंसिएशन कॉन्सोनेंट है तब भी हम ए का यूज करें। इसलिए दूसरा नियम क्या कहता है हमारा, वे सिंगुलर नाउन, वे सिंगुलर नाउन जो वोवल्स से प्रारंभ होकर भी, वोवल्स से प्रारंभ होकर भी कॉन्सोनेंट की ध्वनि दे, कॉन्सोनेंट की ध्वनि देते हैं, कॉन्सोनेंट की ध्वनि देते हैं। वोवल से प्रारंभ होकर कॉन्सोनेंट ध्वनि दे रहे, ऐसा भी कई बार होता है कि प्रारंभ किससे हो रहा है और साउंड क्या आता है इस चीज को हमें देखना है। जैसे एग्जांपल देखेंगे यूरोपियन, ई यू आर ओ पी ई के एन, यूरोपियन हो गया, यूनिवर्सिटी, यूनिट, वन, ऐसे शब्द है। अब यूरोपियन किससे प्रारंभ हो रहा है हमारा, ये से, यूनिवर्सिटी उच्चारण ये से हो रहा है, वन ओ एन ई ओ से प्रारंभ है लेकिन इसकी ध्वनि क्या है वह, इसलिए किससे मान जाएगा कॉन्सोनेंट साउंड। तो यहां पर क्या लगा देंगे, ए यूनिवर्सिटी, ए यूरोपियन, पहला शब्द हमारा है यूरोपियन, इसमें हो जाएगा ए यूनिवर्सिटी, ए यूनिट और ए, क्यों लगाया कॉन्सोनेंट की ध्वनि देने के कारण, ये वोवल साउंड से प्रारंभ हो गया लेकिन ध्वनि हमारी यहां पर क्या रही कॉन्सोनेंट, इसलिए हमने क्या लगाया ए। अगर ये वोवल साउंड देता तो एन का यूज हम करते। तीसरा यूज शब्दों के, तीसरा यूज हम ऊपर लिखेंगे, कभी कभी शॉर्ट शब्द संक्षिप्त रूप जो कॉन्सोनेंट की ध्वनि दे उनमें आता है। तो तीसरा यूज आप लिखेंगे,
शब्दों की संक्षिप्त रूप जो कॉन्सोनेंट की ध्वनि देते, इसमें कोई बात है? जैसे ए डी एस टी, ए बी बी सी, इस प्रकार से। तो ये हमारा ए का यूज हुआ है। अगले वीडियो में मैं आपको एन का यूज बताऊंगा। तब तक के लिए मेरे नए वीडियो का इंतजार करें। आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।